चाहिए, युद्ध नहीं शांति 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 चाहिए। ये इंसानियत की बात तो ठीक है, लेकिन कोई हमारे धर्म पे बात करेगा हम उसे नहीं छोड़ेंगे। वही हमारे मंदिर के ऊपर हाथ उठाएगा हम उसे भी नहीं छोड़ेंगे। स्वतंत्र कहाँ पर है, बंधुता कहाँ पर है और समता कहाँ पर है? एक दूसरे के टांग खींचने में लगे हुए है, एक दूसरे गिराने में लगे। अब खबर नवी मुंबई के वासी से, साथ आओ इंडिया इस मुहिम के अंतर्गत नवी मुंबई के अलग अलग क्षेत्र में काम करने वाली सभी एनजीओ एक साथ नजर आए। नवी मुंबई के वासी में शिवाजी चौक पर एक ऐसा प्रदर्शन किया कि जो एक नजीर बना। वहीं कई संस्थाओं ने मिलकर नफरत की महामारी जो पूरे देश में तेजी से फैलाई जा रही है उसके खिलाफ एकजुट होकर भाईचारा का संदेश दिया, ताकि सियासत की गंदी साजिश नाकाम हो, देश में प्यार मोहब्बत भाईचारा सदा बना रहे। वहीं नाटकीय रूपांतर के माध्यम ये समझाने की कोशिश की गई, धार्मिक नफरत व जात पात भेदभाव इंसानियत के विरुद्ध है, इससे देश व दुनिया का भला नहीं होगा। मोहब्बत प्यार भाईचारे से हम और हमारा देश आगे बढ़ेगा। दुनिया में सबसे बड़ा धर्म इंसान व इंसानियत है। वही इस मुहिम में सावली सेवा फाउंडेशन की ओर से नुक्कड़ नाटक भी किया गया। ये इंसानियत की बात तो ठीक है, लेकिन कोई हमारे धर्म पे बात करेगा हम उसे नहीं छोड़ेंगे। वही हमारे मंदिर के ऊपर हाथ उठाएगा हम उसे भी नहीं छोड़ेंगे। अंबर बाटा मत बाटो इंसान को, अंबर बाटा मत बाटो इंसान को, मंदिर मंदिर ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा धर्म है, ये मेरा हक है, ये मेरा मुर्ग है, ये मेरा मंदिर है, मेरा है, ये मेरा है। अरे चुप, मैं इंसान है, तू ऐसे मत बाटो मुझे। ये इंसानियत की बात तो ठीक है, लेकिन कोई हमारे धर्म पे बात करेगा हम उसे नहीं छोड़ेंगे। वही हमारे मंदिर के ऊपर हाथ उठाएगा हम उसे भी नहीं छोड़ेंगे। और इस तरह हमने इंसानियत का खून कर दिया। अरे निकी रुकना, और इंसानियत मर गई। और इंसानियत का खून करने में आप और मैं हम सब कितने जिम्मेदार है। जन जागृति विद्यार्थी संस्था सावली फाउंडेशन की ओर से हम उनके युवा ग्रुप आपके सामने ये नाटक सादर कर रहे हैं। तो दोस्तों ये एक बढ़िया नाटक है क्योंकि इसमें सिपाही है, वाह वाह, प्रधान है, क्या बात है, महाराजा है, वाह वाह, और महारानी है। तो आइए दोस्तों देखते हैं पत्र नाटक जिसका नाम है हम सब एक है, हम सब एक है। आया है राजा, राजा के संगलो हमारे राज्य की जो व्यवस्था चल रही है वहाँ कई सारे दंगे फसाद हो रहे हैं, लोगों में झगड़ा हो रहा है, इंसानियत तो बची ही नहीं है। क्या हमारे राज्य में ये सब हो रहा है? जी महाराज। तो तुम लोग मुझे दिखाओगे? जी महाराज। जी महाराज, आपको बताएंगे हम। तो चले जानते हैं। पूछते नहीं इंसान को कौन है तू, पूछते हैं धर्म और जाति। नमस्कार नमस्कार भाई, हम आपके शहर के नेता। इन लोगों को अगर इनकी अवकाश दिखानी है तो हमें एक साथ आना होगा, हमें मजबूती से साथ में रहना होगा, फिर इन्हें आप झट से मिटा देंगे। अरे वो क्या बताएंगे, अभी अपना औकात दो दिन अपनी न्याय व्यवस्था को हटा दो, उनको हम उसकी औकात दिखा देंगे, उनको पूरे जड़ से हटा देंगे। वाह 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 वाह, क्या बोला है नेताजी आपने। अच्छा अगर हम इन सभी को जड़ से हटा देंगे तो क्या ये रोजगार की समस्या सॉल्व हो जाएगी? क्या हमारे गांव की सड़कें सही हो जाएंगे? क्या अर्थव्यवस्था ठीक हो जाएगी? और हमारे देश की जो ये शिक्षा नीति है क्या उसमें सुधार आ पाएगी? युद्ध नहीं शांति चाहिए।
चाहिए। युद्ध नहीं शांति 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 चाहिए। जय माता की जय। भारत माता की जय। हम सब एक है। हम सब एक है। मेरा नाम संतोष सुरवे है। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। आपने देखा होगा अभी संविधान की एक बड़ी यात्रा कुछ दिन में निकलने वाली है जो 26 नवंबर जिसका अमल बजाने हुआ है संविधान के बारे में। और संविधान क्या कहता है तो स्वतंत्र समता और बंधुता। और यही नारा हम देखते हैं तो पूरे विश्व में भी लागू हो सकता है। पर आज के तौर में देखेंगे तो कहीं पर भी जाइए किसी क्षेत्र में भी जाइए ये स्वतंत्र कहाँ पर है, बंधुता कहाँ पर है और समता कहाँ पर है। एक दूसरे के टांग खींचने में लगे हुए है, एक दूसरे गिराने में लगे हुए हैं और ये लड़ाई कहीं ना कहीं दिल से दिमाग से निकल रही है और ये आस्ते आस्ते जाके समाज में फैल रही है। और समाज का जो लड़ाई है कहीं ना कहीं ये राज्य और केंद्र में जा रहा है और उसके तरह विश्व में भी आ रहा है। और इसमें देखते हुए ये स्वतंत्र जरूरी है, हम आज़ाद तो जरूर हुए पर दिमागी तौर पर आज भी कहीं ना कहीं गुलामगिरी के इसमें दिख रहे हैं। तो संविधान ने जो कहा है उसके अनुसार हमें इकट्ठा होना चाहिए और शांति बहुत ज़रूरी है। हमारे पास शांति होती है पर दूसरे में पड़ोस के घर में क्या हो रहा है या हमारे आसपास के एरिया में क्या हो रहा है इसके कंपटीशन में हमारी शांति निकल जा रही है। और इस शांति को अगर इकट्ठा लाना है तो हमें एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए और यही हमारा बंधुता का एक नारा भी होता है। और उसके तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं और हमारा समाज विकास का जो नारा है इससे हम अपने बस्ती को, अपने समाज को और अपने देश को विकास के तौर ले सकते हैं और आस्ते आस्ते विश्व की तरफ भी जा सकते हैं और विश्व का भी शांति और एकता का प्रतीक हम ला सकते हैं और विश्व में भी प्रगति आ सकती है। तो हमें एक एटम बम नहीं चाहिए, शांति चाहिए, हमें एकता चाहिए, इसकी हमें ज़रूरत है। साथ आओ इंडिया क्या उद्देश्य है? अगर एक वर्ड में बोलूँ तो एकता। एकता। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है हमीद अली खान। आगे क्या मूवमेंट है, किस मूवमेंट को लेकर चलने वाले हैं आप? देखिए एकता जो है ये एक यही बहुत बड़ा मूवमेंट है क्योंकि इसमें ही सारी चीज़ छिपा हुआ है। एकता आएगा तो पीस और शांति अपने पीस शांति समृद्धि सारी चीज़ आ जाएगी। आपको ऐसा क्यों लगा कि आज शांति और एकता जो है इसमें एक बहुत बड़ा वर्ल्ड हो गया है कि आज हम एकता और शांति से दूर होते जा रहे हैं, तो इसके लिए आप ये जो आपने मूवमेंट चलाया है तो क्यों चलाया है? नहीं शांति तो है लेकिन हमको शांति जो है एक होलिस्टिक अप्रोच होता है। शांति शांति हम सोचते हैं कि खाली एक हर तरह के समाज में शांति आना चाहिए, तो शांति और एकता ये मतलब मेन मकसद होना चाहिए हर किसी के ज़िंदगी में। ऐसा नहीं कि समाज में हर इंसान को खुद को भी इस तरह की सोच रखना चाहिए। इसके लिए मुझे लग रहा है कि जितने भी मूवमेंट हो उसके अगर बेस मूवमेंट हो होता है एकता और शांति के ऊपर टिका हुआ है। अगर हम रूट को पकड़ते हैं तो सारे प्रॉब्लम अपने आप ही सॉल्व हो जाएंगे। अच्छा अभी पीछे एक नारा दिया जा रहा था, झगड़ा नहीं शांति चाहिए जी, वो नारा क्यों दिया जा रहा था? युद्ध देखिए अभी इंसान दिमागी तौर से भी अपने युद्ध में चल रहा है और अगर देखें तो विश्व में हर तरह के भी बहुत जगह में आप देखेंगे बहुत सारे बॉर्डर कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, बहुत सारे युद्ध चल रहे हैं। तो अगर मानव बोल रहा है कि हम अग्रगति कर रहे हैं, हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन फिर युद्ध क्यों? अगर हम एक तरह से बोल रहे हैं कि हम डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं तो फिर इस तरह से डिस्ट्रक्शन क्यों है ना? तो आइदर हमको डेवलपमेंट की तरफ सोचना है तो फिर डिस्ट्रक्शन होना ही नहीं चाहिए। तो हमारा ये मानना है कि वार नहीं चाहिए, हमको पीस चाहिए, क्योंकि अदरवाइज फिर डेवलपमेंट क्या है? अगर सोचो एक डेवलपमेंट हो रहा है, एक छोटा सा युद्ध हो गया तो सारे डेवलपमेंट एक दिन में ख़त्म है। तो लोगों को ये बारे में सोचना चाहिए कि युद्ध आज के दौर में युद्ध का कोई ज़रूरत है ही नहीं या कोई दौर में था, है ना? तो आपके साथ कौन कौन सी संस्था है, आपका नाम बताइए। देखिए मेरा नाम हमीद अली खान है और हमारे यहाँ पर सामाजिक संस्था नवी मुंबई के बहुत सारे हैं। अगर मैं नाम गिनती करूँगा तो बहुत टाइम भी लगेगा कि बहुत सारे लोग हैं। जैसे कि अभी देखिए आर्यन फाउंडेशन है, देन सावली फाउंडेशन है, कारवा फाउंडेशन है, सनी फाउंडेशन है, केवी फाउंडेशन है ना, और भी बहुत सारे हैं जिनके अभी जो सखी फाउंडेशन है, देन अलहमदो एजुकेशन ट्रस्ट है, ऐसे बहुत सारे अराउंड मोर देन 100 NGO हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सहज योगा जो एक स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन से वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यहाँ पर सोशियो स्पिरिचुअल दोनों और समाज के दोनों तबके के जो लोग हैं, जो सेल्फ और इंडिविजुअल है, और ये सबका एक पहल है कि साथ में हम ऐसा कुछ किया जाए कि हमारा जो धर्म है इंसान धर्म है और उसी को प्रमोट करा जाए। वसुदेव कुटुंबकम जो हम बोलते हैं उसको सही मायना में कैसा हमारे जीवन में हम खुद भी प्रैक्टिस कर सके और लोगों को भी इसमें जागरूक कर सके। मैं फैसल खान, क्या पत्रकार बनना चाहते हैं?
आपके अंदर है सच सामने लाने का साहस। हम देंगे आपको मौका सच सामने लाने का। पूरे इंडिया न्यूज आपको दे रहा है मौका आने वाले समय का, देश के नंबर वन न्यूज चैनल के साथ पत्रकारिता के गुण सीखने का। तो तुरंत संपर्क कीजिए। मैं प्रशांत खान, टू इंडिया न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूँ।